दोस्तों, मैं हूँ फरहाद, आपका दोस्त, आपका भाई, और आप हैं मेरे चैनल पर फरहाद मोबाइल शॉप का। और वीडियो देखना मैं आज शुरू कर चुके हैं। जैसा कि आप थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि मैं आज आपको क्या दिखा रहा हूँ। जी हाँ, MI M2 का FRP लॉक आपको मैं निकालना बताऊँगा, किस तरह से आप FRP लॉक इसका निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। लेकिन थोड़ा इसको खोलने में आपको प्रॉब्लम आएगी, मैंने भी इसको ओपन किया है तो आपको बता दूँ। देखिए, पहले मोबाइल आपको मैं चेक करा देता हूँ एक बारी। ये इसमें लगा हुआ है FRP लॉक, वाईफाई से आगे नहीं जाता है ये स्किप करने पे, तो ये इसका FRP लॉक लगा हुआ है। अच्छा, तो इसको पहले मैंने इसको ओपन किया है, तो ओपन करने पे जो है इसमें थोड़ा मसला है। इसका हमें जो फोल्डर है ना, इसका फोल्डर हमें पूरा निकालना पड़ेगा बाहर को, तभी हमारा ये जहाँ से ADL का टेस्ट पॉइंट होता है वहाँ से हमें इसको कनेक्ट करेंगे। तो इसका हमें पहले ADL पॉइंट के लिए पहले इसको निकालना पड़ेगा। यहाँ से पहले इसके अंदर दो स्क्रू होंगे बारीक बारीक, उन स्क्रू को खोलेंगे और उसके बाद ये फोल्डर निकालेंगे इस तरह से। आप थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा आपको। ये पत्ता इसका निकाल दिया मैंने, देखिए, ठीक है, ये पत्ता निकाल के मैंने इसको अलग को साइड में रख दिया ध्यान से। और रखो आओ, और उसके बाद ये मोबाइल हमारे पास सिर्फ रह जाएगा इसका बोर्ड। तो अभी इसका हमें ये बैटरी कनेक्टर जो है ये भी इसका रिमूव कर देना है, ये मैंने कर दिया। अभी इसको ADL मोड पर लाना है। ADL पॉइंट इसके बता दूँ मैं कौन से हैं। उसके बाद ये वाला पत्ता है, इसको भी हमें इसको निकाल देना है। ये जो देख रहे हैं आप दो बारीक बारीक पॉइंट, अगर आपको देख पा रहा हूँ वीडियो में ठीक से, बाद में इसका फोटो भी डाल दूंगा मैं पिक्चर। हमें इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करना है, ठीक है, एक मिनट रुका। उसके बाद UMT हमारा ओपन है, रिटर्न टूल में आना है और इधर सीधे हमें डायरेक्ट इधर आने के बाद रिसेट FRP में कर देना है और इधर ओके कर देना है। अभी हमें मोबाइल कनेक्ट करना है। जैसे मोबाइल कनेक्ट करेंगे यहाँ से हमारा प्रोसेसिंग चालू हो जाएगी। अब मैं इसके अंदर मोबाइल अपना कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही मोबाइल में कनेक्ट करूँगा, शॉर्ट करूँगा पिन, आप देख सकते हैं पूरा ये बूट कर लेगा, ठीक है। तो ध्यान से वीडियो को देखिए आप लास्ट तक। ये मैंने इसमें क्या, ये देखिए यहाँ से इसने बूट कर लिया, ठीक है। ये आपको मोबाइल भी दिखा देता हूँ, ये मोबाइल मेरा इसमें कनेक्ट है और अब यहाँ से इसका FRP निकल जाएगा डिटेक्टिव टाइप, ये डिटेक्टिंग टाइप, देखिए ये हो गया स्टेटिंग FRP डन, ऑपरेशन फिनिश, ठीक है। तो अभी हमारा इतना आसानी से FRP निकल गया। अभी आपको मैं एक बार ही मोबाइल को ओपन करके भी दिखाऊंगा। ये मैंने डाटा केबल निकाल लिया और दोबारा से हमें इसमें सेम टू सेम पत्ता इसके अंदर लगा देना है और हमें इसके अंदर ही फोल्डर भी लगा देना है, ठीक है। ये मैं इसके अंदर फोल्डर लगा रहा हूँ, उसके बाद मोबाइल आपको मैं ओपन करके दिखाऊंगा। तो देखिए मैंने इसमें लगा लिया है दोस्तों, अभी इसको बाद में फिट कर दूंगा, फिलहाल आपको मोबाइल में ऑन करके दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा बैटरी इसमें कम है, डाटा केबल लगा देता हूँ। अभी मोबाइल हमारा ये ओपन हो जाएगा, जैसे देख लेते हैं हम स्टेटिंग FRP डन हो गई है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको चार्ज कर लेता हूँ। देखिए हो गया मोबाइल हमारा ओपन, अभी ये पूरा यहाँ से हो जाएगा। इसका जो क्वालिफायर वाला इसका सेटअप का क्लिक का लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर लेंगे। आ गया देखिए MI का लोगो, और अभी मैं इसको पूरा सेटअप करके आपको दिखा देता हूँ। पहले वाईफाई से आगे नहीं जा रहा था, ये पुराना वाला Gmail ID मांग रहा था, लेकिन अभी ये फर्स्ट क्लास चलेगा। ये नेक्स्ट कर दिया मैंने इसको, ये नेक्स्ट किया, ये स्किप किया यहाँ से, मैंने यहाँ से भी स्किप कर दिया। दोस्तों इसी तरह की वीडियो जैसे मैं देखने के लिए डेली आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर चेक कर लीजिए कि बेल आइकन आपने प्रेस किया हुआ या नहीं, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे मेरे वीडियो के, ठीक है। ये अभी आपके यहाँ सेटअप हो जाएगा, 2 मिनट में चालू हो जाएगा मोबाइल आपका। इसको भी यहाँ रख देता हूँ मैं,
क्योंकि चैनल पे अपने इस तरह की मैं वीडियो डेली अपलोड करता हूँ जो मोबाइल फ्लैशिंग एंड लॉकिंग से रिलेटेड होती है। ये मोबाइल लेके हमारा यहाँ से ये ओपन हो गया, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में।